ठीक ठाक है जी? हाँ जी, हाँ जी, बैठो जी, बैठो। ओ भाई पानी पुनी लाओ इनके लिए जरा। और सर ठीक ठाक? बस आप सुनाओ कैसे हो शर्मा जी, कल आप संडे था पार्क में आए नहीं? अरे गोयल साहब क्या बताएं, मैं आपको बताना ही भूल गया। सब लोग वेट कर रहे थे वहाँ। हाँ हाँ, वो मेरे ध्यान से निकल गई। एक्चुअली कल NSO वालों का प्रोग्राम था घर पे, वो एक दिन पहले भी आए थे, तो उस दिन तो नाम वगैरह लिख के लेके गए थे और फिर कल फिर आए थे, तो उनके साथ मेरा अपॉइंटमेंट था, मीटिंग हुई थोड़ी देर के लिए। क्या पूछ रहे हैं, पूछने आए थे आपसे? NSO ये गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अंडर आता है। वो इस बार तो टाइम यूज सर्वे कर रहे हैं कि हम अपने समय का कैसे सदुपयोग करते हैं, तो उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कि हम अपना टाइम कैसे बिताते हैं, कैसे दिनचर्या हमारा रहता है, क्या क्या कार्य करते हैं, इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। पूरे दिन में आप क्या करते हैं? पूरे देखते हैं, खेलते हैं, सैर करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली वो सुबह 4 बजे के स्लॉट से काम पूछना शुरू कर देते हैं कि 4 बजे आपने क्या किया, तो उसी के बारे में ये 4 से हम, जैसे मैं नॉर्मली 5 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद मैंने बताया कि फिर मैं 1 घंटा योगा करता हूँ, योगा के बाद नहाना धोना हो जाता है, बीच में चाय का प्रोग्राम होता है, यहाँ तक कि वो पूछते हैं कि आप जैसे चाय पी रहे हैं तो उसके साथ आप क्या काम करते हैं, तो मैं बताया कि हाँ चाय के साथ इतना हमारा द हिंदू पेपर आ जाता है, तो वो मैं पेपर पढ़ता हूँ, और उसके बाद बच्चों से भी थोड़ी बहुत ही देर बातचीत होती रहती है, तो वो पूरा रिकॉर्ड करे, तो रिकॉर्ड बेस्ड इन्फॉर्मेशन थी। तो उसमें फिर वो भी पूछते हैं कि आप कितना समय टीवी देखते हो? हाँ हाँ, वो पूरा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे पूरा 24 घंटे कवर करते हैं, फिर जैसे चाय के बाद नाश्ता के टाइम होता है तो लगे पूछने कि नाश्ते के साथ और क्या एक्टिविटी साथ में कंबाइन करते हैं, तो मैं तो बताया कि हाँ कम से कम 8 से 9 बजे तक 1 घंटा नाश्ते का प्रोग्राम, बीच में टीवी वगैरह देखता हूँ, तो बोलते हैं कि टीवी में किस टाइप का सीरियल या क्या न्यूज़ सुनते हैं, तो आपको तो पता ही है कि 1 घंटा हम शेयर मार्केट के बारे में ही सुनते हैं, तो हम वही बताया कि हाँ 1 घंटा हम शेयर मार्केट की न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, उसके बाद ऑफिस चले जाते हैं, दोपहर में लंच के लिए 1 बजे आते हैं, 1 से 2 हमारा लंच टाइम है, उसमें आके फिर सभी के लिए बातचीत करते हैं, बच्चों के साथ बात करते हैं और एक्टिविटी क्या है, उसके बाद फिर शाम को 5 बजे वापस आते हैं, 6 बजे आते हैं घर आते आते, इन बिटवीन वो पूछते हैं कि जैसे आप ऑफिस गए हैं तो ऑफिस से घर का टाइम, आने जाने का टाइम, वो कितना टाइम वेस्ट, उसमें कितना टाइम लगता है, इस टाइप के बीच बीच में उनके क्वेश्चन रहते हैं, आपसे ये सारी पूछते हैं? वो सारे पूछते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, ये क्यों पूछते हैं इतना? गोयल जी, ये जैसा कि उन्होंने बताया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है और ये एक आगे गवर्नमेंट प्लानिंग के बारे में, इसके ऊपर पॉलिसी एंड प्लानिंग बनाती हैं, उसी के ऊपर ये काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने जो मेन जानकारी ले रहे हैं कि घर में हमारा, वो सिर्फ मेरा ही नहीं पूछ रहे, पूरे मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, मतलब आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मेरा ही पूरे परिवार की, कि बाकी दूसरे मेंबर क्या कर रहे हैं, फैमिली कैसे करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, तो सभी के बारे में सभी से अलग अलग टाइम से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो वही इन्फॉर्मेशन इसमें यही इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि उनका घर का कार्य कैसे करते हैं, अनपेड आवर्स कितने हमारे इसमें रहते हैं, कितने पेड आवर्स रहते हैं, जो महिलाएं काम करती हैं वो कैसे कैसे अपना दिन व्यतीत करती है, तो इसके बारे में, और केयरिंग के बारे में होता है इन्फॉर्मेशन, उनको पता चलता है कि एक परिवार अपने बच्चों के लिए या बुज़ुर्गों के लिए, उनकी देखभाल के लिए कितना टाइम व्यतीत कर पाता है उनकी केयर करने के लिए, इसी से इन्फॉर्मेशन वो हेल्थ के बारे में भी आ जाती है कि हम सारा दिन अपनी भाग दौड़ी तो नहीं कर रहे हैं, कि हेल्थ में हम कितने कॉन्शियस हैं, हम सुबह कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं या बच्चे गेम्स वगैरह खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन वो हेल्थ के बारे में भी आ जाती है, तो इस टाइप से काफ़ी इन्फॉर्मेशन वो ले रहे हैं। लेकिन ये हमारे घर तो आए नहीं, ये सैंपल बेस सर्वे होता है, एक एरिया इनके पास पहले से सिलेक्ट होकर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली से आ जाता है, उसके बाद उस एरिया में वो लिस्टिंग करते हैं, उस लिस्टिंग में भी वो फिर रेंडमली कुछ घर सेलेक्ट करते हैं,
तो लकली वो मेरा घर उनके सिस्टम से सिलेक्ट हुआ है, इसलिए मेरे घर में हो सकता है ये साल का सर्वे है, हो सकता है आने वाले टाइम में आपके घर पे भी आए, आपके घर से भी इंफॉर्मेशन लें। अगर हमारे घर आएंगे तो हम भी उनको इंफॉर्मेशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इंफॉर्मेशन देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, उनको पूरा सहयोग करना चाहिए, सबको दे सही जानकारी, हाँ अपनी अपनी जिम्मेदारी NSS को दे सही जानकारी, वही है सही आंकड़े और सही जगह, बिल्कुल बिल्कुल ये वही डिपार्टमेंट है, वही है। चलो अगर वो हमारे घर आएंगे तो हम भी उनको सही जानकारी देंगे, बिल्कुल बिल्कुल देनी चाहिए।